हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट हब। तो प्रीवियस वीडियो में हम एनालिटिक फंक्शन के ऊपर बात किए हुए थे, ठीक है, कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन मेरा एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हुए थे। तो ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ओके, हमारा इफ एफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन देन इट्स पार्ट इज यू एक्स वाई प्लस आयोटा भी एक्स वाई। ठीक है, अगर हमारा एफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उसका पार्ट हुआ यू एक्स वाई प्लस आयोटा भी एक्स वाई। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये मेरा हो गया रियल पार्ट और ये क्या हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर u और v दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू दिया रहेगा तो उससे हमें बोला जाएगा क्वेश्चन में कि हमें एनालिटिक फंक्शन क्या है, जो फंक्शन है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो मेरा ये u x y ये मेरा रियल पार्ट हो गया और v एक्स वाई मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अगर यू का भी वैल्यू रहेगा या फिर भी का, अगर दोनों में से किसी एक का अगर हमको वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, उससे एनालिटिक फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि उस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है यू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई। ठीक है, तो इस हमारा u का वैल्यू दिया गया है, इससे हमको एनालिटिक फंक्शन फॉर्म करना है। तो वो हम फंक्शन कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ हमारे पास u पार्ट तो दिया हुआ है, तो हमको इस जो फंक्शन हमको अगर हमको फॉर्म करना है तो उसमें हमको v चाहिए तभी तो, क्योंकि मेरा जो एफ जेड होता है वो मेरा u और v दोनों का पार्ट होता है। तो ये फाइंड आउट करते हैं हम v कैसे इससे कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम क्या करेंगे यू को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल यू बाय डेल एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले ई टू द पावर माइनस एक्स को बाहर रख लेते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स। अब हम इस पार्ट को करते हैं यहाँ पे, तो x का वन हो जाएगा, बचेगा केवल साइन y। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम कांस्टेंट रख लेंगे, प्लस माइनस वन ई टू द पावर माइनस x इंटू एक्स साइन y माइनस y कॉस y। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स साइन वाई माइनस माइनस यहाँ पे मेरा हो जाएगा प्लस प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा वन माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई। ठीक है, ये मेरा डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू हो गया, इसको हम वन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यू को फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डेल यू बाई डेल वाई, यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेरा कुछ होगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वन इंटू
कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू वाई। ओके, इसको हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई। ओके, इसको हम फर्दर डेल यू बाई डेल वाई अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा मेरा एक्स माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई। ठीक है, यहाँ से हम क्या किए, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई हम निकाल चुके हैं। अब हमको पता है यूजिंग कॉसी रिमान अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉसी रिमान इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ये मेरा होगा डेल वी बाय डेल एक्स ऑफ माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल वाई। ओके, तो जो हम वैल्यू निकाल चुके हैं तो वो मेरा ऐसे आएगा वन माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई साइन वाई। ओके, तो हमारे से ये वैल्यू यहाँ से मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, डेल वी बाय डेल वाई निकालेंगे, ये हमारे किसके इक्वल होगा, डेल यू बाय डेल एक्स के। तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई। ओके, अब हम क्या कर सकते, सिंस भी बराबर मेरा क्या है, भी ऑफ एक्स वाई। ओके, हमें यू दिया गया था तो हमको यहां से क्या करना पड़ेगा, भी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम उसको यू प्लस आयोटा भी के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो हमको पता है डी भी इज इक्वल्स टू डेल्टा भी बाय डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस डेल्टा भी बाय डेल्टा वाई डी वाई। अब हम क्या करेंगे, यहां से डेल्टा भी बाय डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा भी बाय डेल्टा वाई का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, तो मेरा सिंपल कुछ ऐसे होगा, ये डी भी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई साइन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई डी वाई। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम बोथ साइड क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, डी भी वन माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स कोस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई साइन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई डी वाई। ओके, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा आएगा वन माइनस एक्स ई टू द पावर का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो ये आएगा माइनस ऑफ
ई टू द पावर माइनस एक्स ऑफ माइनस माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स ओके इंटू कॉस वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई साइन वाई साइन वाई प्लस एम। इसको हम फर्दर फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा वैल्यू कुछ होगा e टू द पावर माइनस x x माइनस वन प्लस वन इंटू कॉस y प्लस e टू द पावर माइनस x y साइन y प्लस m। तो यहां से ये वन वन कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरा वैल्यू होगा एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई साइन वाई प्लस एम। ठीक है, यही वैल्यू जो है मेरा हो गया एफ, ये वैल्यू हो गया भी का। ठीक है, तो यहां से मेरा भी निकल चुका है। अब हमको पता है एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा भी होता है, तो मेरा यू का भी वैल्यू मेरा दिया हुआ था, भी का वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट किया, तो ये हम यू और भी का वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये मेरा कुछ हो जाएगा इस तरह ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई साइन वाई प्लस आयोटा एम। ठीक है, ये मेरा हो गया एफ जेड का वैल्यू। ठीक है, यही हो गया मेरा आंसर। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम में हम देख चुके कि किस तरह से हम अप्रोच लगेगा मेरा। अगर हमको यू दिया रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, भी निकालना पड़ेगा। अगर हमको भी दिया रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होता है इट इज द सम ऑफ यू प्लस आयोटा आयोटा भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, u और v में उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाता है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, मिलने थॉमसन मेथड के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।